नमस्कार, जय गणेश। मैं हूँ नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का ये वीडियो है वायु तत्व की सातवीं राशि तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए अगस्त 2019 कैसा रहेगा उसके बारे में प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 7 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि तुला है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी तुला राशि के अंदर है यानी कि 7 नंबर के अंदर लिखा है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों तुला राशि में है तो ये प्रिडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश। ऑल डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी शुभकामना करते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का प्रिडिक्शन। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट है ये आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर है। कर्क राशि के अंदर चलने वाले शुक्र आपके लिए जयकर्ता माने जाएंगे। बिजनेस में करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। जो कोई भी जाता होटल मोटल रेस्टोरेंट इत्यादि लग्जरियस बिजनेस से कनेक्टेड हैं, कपड़ों का काम है, ब्यूटी पार्लर का ब्यूटी शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, सलून है, ऐसी कोई भी लग्जरियस जो बिजनेस के अंदर कनेक्टेड है इनके लिए तो समय बहुत शुभ है। क्योंकि 10वें स्थान के अंदर शुक्र राशि के अधिपति होकर आपके बिजनेस में कारोबार में वृद्धि करने वाले बनेंगे। शुक्र का यहाँ भ्रमण आपको पिता से भी लाभ करवाएगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको अपर लेवल से बेनिफिट मिलेगा, आपका प्रेज होगा, आपको आपके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कार्य हो सकते हैं क्योंकि चौथे स्थान के अंदर शुक्र की दृष्टि है। तो माता से भी लाभ रहेगा, इन लॉस की ओर से भी लाभ रहेगा। तो शुक्र ट्रांजिट आपके लिए जो है 16 अगस्त तक ये आपके लिए बहुत शुभ है। उसके बाद भी शुक्र जो सब सिंह राशि के अंदर चलेंगे तो शुक्र का ट्रांजिट 11वें स्थान के अंदर भी शुभ माना जाएगा। क्योंकि शुक्र जब चलेंगे आपके लाभ स्थान के अंदर तो आपको मित्रों से लाभ करवाएंगे, स्त्री मित्रों से लाभ करवाएंगे, आपके संतान रिलेटेड कार्य हो सकता है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। तो शुक्र का ट्रांजिट नेक्स्ट वंस अगेन शुक्र ट्रांजिट 16 अगस्त के बाद भी शुभ है। करियर के रिगार्डिंग जो ये मंथ है आपके लिए बहुत शुभ है क्योंकि सूर्य आपके 10वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। सूर्य का जो भ्रमण है वो 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक सूर्य 10वें स्थान के अंदर पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। तो पुष्य नक्षत्र का जो ट्रांजिट है ये तुला राशि में खास करके विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज्यादा शुभ रहेगा। क्योंकि विशाखा नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म है तुला राशि में इनके लिए जो पुष्य नक्षत्र में चलने वाले सूर्य हैं ये आपके संपत तारा के अंदर चलेंगे। तो संपत तारा में आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जबकि तुला राशि में ही स्वाति नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है इनके लिए बिजनेस में करियर में एक्सपेंशन ग्रोथ तो होगा लेकिन टेंशन के साथ होगा क्योंकि जो पुष्य हैं आपका विपत नक्षत्र हैं। तो 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का जो समय है आपको रिलेशनशिप में खास करके जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ, फादर के साथ, माता के साथ, पिता के साथ और यदि आप मैरिड हैं विवाहित हैं तो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा केयर करना होगा। यदि आपका जन्म कर्क राशि में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो कर्क के जो सूर्य है इसमें खास करके 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र के जो सूर्य है ये आपके विपद नक्षत्र में है, प्रोग्रेस टेंशन के साथ होगा। तो यही डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का। एक ही राशि के अंदर अलग अलग नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जो फल है वो अलग अलग हो जाता है। तो जान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है।
तो बात करते हैं तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र है वो चित्रा। चित्रा नक्षत्र के लिए पुष्य का ट्रांजिट कैसा रहेगा? तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए पुष्य ट्रांजिट जो 3 अगस्त तक है, ये आपके लिए क्षेम तारा के अंदर है, जो आपके लिए शुभ है। तो दसवें स्थान के सूर्य वैसे भी राजयोग कारक माने जाते हैं, और उसके बाद की जो ट्रांजिट रहेगी 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो सूर्य चलेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। तो अश्लेषा नक्षत्र का ट्रांजिट जो है वो विशाखा नक्षत्र वाले के लिए विपत बन जाएंगे। तुला राशि में ही जो कोई भी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए यही ट्रांजिट सूर्य की विपत नक्षत्र के अंदर आ जाती है। तो विपत माने टेंशन। तो जो आपका कारोबार अच्छा चल रहा था, जो बिजनेस में प्रोग्रेस आप महसूस कर रहे थे, करियर में प्रोग्रेस महसूस कर रहे थे, अपर लेवल से आपकी अच्छी बन रही थी, वही सब जगह पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। 3 से लेकर 17 अगस्त जब जो या यदि आपका जन्म तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो सूर्य का जो अश्लेषा नक्षत्र का ट्रांजिट है 3 से लेकर 17 अगस्त आपके लिए टेंशन वाला बन जाएगा। तो टेंशन खास करके जो नक्षत्र अश्लेषा है, ये बुध का नक्षत्र है, तो आपको क्या केयर करना होगा? आपको खास करके कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा केयर करना होगा। बातचीत के अंदर कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन, ओवर कम्युनिकेशन ना हो जाए, बातचीत में गर्माहट ना आ जाए, गुस्सा ना हो जाए, एंग्रीनेस ना हो जाए, उसकी वजह से बात का बतंगड़ ना बन जाए, तो ये सब चीज़ का आपको केयर करना होगा। 3 से लेकर 17 अगस्त यदि आपका जन्म तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र की जो ट्रांजिट है, ये इसकी शांति के लिए क्या करें, तो देखते रहिए वीडियो के एंड तक। सब नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है इसके बारे में भी हम बताते हैं। पुष्य नक्षत्र की शांति के लिए, अश्लेषा शांति के लिए और मघा शांति के लिए भी क्या करना है, देखते रहिए वीडियो एंड तक। उसके बाद की बात करते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र का जो ट्रांजिट है, ये विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए विपद है, स्वाति नक्षत्र के लिए शुभ माना जाएगा, और चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए प्रत्यारी नक्षत्र के अंदर सूर्य होंगे, तो आपका ऑपोजिशन हो सकता है, विरोध हो सकता है, या तो आपको विरोध करना पड़ सकता है, खास करके अपर लेवल जॉब में अपर लेवल के साथ और रिलेशन में फादर के साथ, विवाहित जातकों को इन लॉज के साथ आपका विरोध हो सकता है या आपको विरोध करना पड़ सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है। तो अश्लेषा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करें, 3 से लेकर 17 अगस्त तक जो सूर्य चलेंगे अश्लेषा नक्षत्र में, इसमें आप बिल्ली या बिल्ले को दूध पिलाएं। पुष्य नक्षत्र जो 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेगा, उसमें आपको भेड़ को खिलाना है, भेड़ जो बकरियों के साथ रहता है, और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप तेल का दान कर सकते हैं। और 3 से लेकर 17 अगस्त कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आपको हरा वाला मूंग देना है, या तो आप खाने में भी हरा वाला मूंग का प्रयोग कर सकते हैं और कपड़े में ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 17 से लेकर 31 अगस्त तक सूर्य चलेंगे मघा नक्षत्र में, तो यहाँ पर सूर्य की ट्रांजिट चेंज हो जाती है, आपके लिए चलेंगे ये 11वें स्थान के अंदर। तो 11वें स्थान के अंदर सूर्य आपको वंस अगेन बेनिफिट करने वाले होंगे, सरकार से लाभ करवाएंगे, पिता से लाभ करवाएंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले बनेंगे, और यही ट्रांजिट जो है जो विशाखा नक्षत्र वाले जातकों के लिए क्षेम तारा के अंदर होगी, तो क्षेम तारा के अंदर आपके लिए ये शुभ बनेंगे। आपको मित्रों से लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा, लेकिन जो कोई भी जातक शेयर बाजार के रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि कर रहे हैं, इनके लिए ये ट्रांजिट शुभ नहीं होगा, क्योंकि जो सूर्य की दृष्टि है 5वें स्थान के अंदर, तो संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। 17 से लेकर 31 अगस्त
स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जो केतु सूर्य चलेंगे मघा नक्षत्र में, ये केतु के नक्षत्र में चलेंगे, तो आपके लिए ये चलेंगे प्रत्यरी नक्षत्र में। तो प्रत्यरी नक्षत्र आपके लिए शुभ नहीं है, आपका ऑपोजिशन हो सकता है, मित्रों के साथ ऑपोजिशन हो सकता है, आपके संतानों के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयर करना होगा। और यही ट्रांजिट जो है ये चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए साधक तारा के अंदर होगी। तो चित्रा नक्षत्र तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए यही ट्रांजिट आपको बेनिफिट करने वाली होगी। आपको सरकार से लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा, आपको मित्रों से कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, तो ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ रहने वाली है। तो ये जो प्रेडिक्शन है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा ज़्यादा डीपली प्रिडिक्शन है, तो जान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है। तो सूर्य के अलावा हम बात करते हैं अब मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह का जो ट्रांजिट है ये कर्क राशि के अंदर है, 10वें स्थान के अंदर। मंगल भी राजयोग कारक माने जाते हैं। गवर्नमेंट में मिलिट्री पुलिस इत्यादि के अंदर कार्य करने वाले जातकों के लिए ट्रांजिट शुभ रहने वाला है। और मंगल 8 अगस्त से लेकर चलेंगे सिंह राशि के अंदर, लाभ स्थान के अंदर, तो ये मंगल का ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ है। प्रॉपर्टी का कार्य करने वाले जातकों के लिए बिल्डिंग एस्टेट कंसल्टेंट या कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो कोई भी जातक कार्य कर रहे हैं आपके लिए 10वें एवं 11वें स्थान की मंगल की ट्रांजिट आपके लिए शुभ फल देने वाली है। मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड से कनेक्टेड जातकों के लिए भी बिजनेस के अंदर करियर के अंदर प्रोग्रेस वाला समय है। बुध ग्रह का ट्रांजिट जो है आपके लिए मिथुन राशि के अंदर है, 3 अगस्त तक भाग्य स्थान के अंदर चलने वाले स्वग्रही बुध आपके लिए शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। 3 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बुध चलेंगे कर्क राशि के अंदर, 10वें स्थान के अंदर जो राजयोग कारक माने जाएंगे। यहाँ पर बुध आपको जल तत्व की राशि कर्क राशि में आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, मुसाफरी एक्सेस मुसाफरी ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है बिजनेस एवं करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये चंद्र की राशि है। कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और साथ साथ चंद्र की राशि है, तो बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग टूरिज्म आपका बढ़ सकता है। और 26 अगस्त से लेकर बुध चलेंगे लाभ स्थान के अंदर तो सिंह राशि के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ है। तो स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी ये मंथ जो है बिजनेस एवं करियर के रिगार्डिंग एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला ये मंथ है आपके लिए। गुरु आपके धनस्थान के अंदर चल रहे हैं, जो आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बड़ी रखेंगे, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे, इसके हिसाब से आप इंटरनली थोड़ा सा दुखी रहेंगे। शनि केतु लाभ स्थान पराक्रम स्थान के अंदर हैं, जो आपको नए साहस करवाएंगे। राहु भाग्य स्थान के अंदर मध्यम फलदायी है। तो कुल मिला के क्या कहेंगे इस मंथ का तात्पर्य क्या है कि इस मंथ के अंदर आपके 10वें एवं 11वें स्थान के अंदर जो ग्रहों का जमावड़ा और भ्रमण है ये आपके बिजनेस एवं करियर के रिगार्डिंग एक नया और बेहतर चेंज लेके आने वाला ये मंथ है आपके लिए। कौन कौन से डेट्स आपको केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि यदि आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल का आइकन बटन भी दबा दें, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। फेसबुक गूगल प्लस व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नोट करें कौन कौन से डेट आपको केयर करना है इस मंथ के अंदर। वो इस प्रकार है, 4, 5 और 6 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कन्या राशि में। तो राशि से 12वें स्थान के अंदर चलने वाले चंद्र में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 15, 16 और 17 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मकर राशि में। तो राशि से चतुर्थ भाव के चंद्र के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन टेंशन वाली सिचुएशन के अंदर नहीं लेना चाहिए।
और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 23, 24 और 25, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं, आठवें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। साथ साथ आपको पानी से भी बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में ज़्यादा ही केयर करना होगा। तो पुष्य सूर्य, अश्लेष सूर्य और मघ सूर्य की शांति के लिए क्या करें? 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो सूर्य चलेंगे पुष्य नक्षत्र में, इसके लिए आपको तेल का दान करना है गरीब लोगों में, भेड़ को खिलाना है और दिन में 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करना है। 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य चलेंगे अश्लेष नक्षत्र में, इसके लिए बिल्ली या बिल्ले को खिलाना है, दूध रोटी खिलाना है और कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आपको हरा वाला मूंग देना है और खुद भी खाने में हरा वाला मूंग का प्रयोग करना है। और 17 से लेकर 31 अगस्त तक सूर्य चलेंगे मघा नक्षत्र में, तो इसकी शांति के लिए क्या करें? दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें, खाने में सफ़ेद तिल और गुड़ का प्रयोग करें। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वन सकें आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाएं, एक वीडियो का लाइक बटन तो जरूर बनता है। आप जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, इसी शुभकामना के साथ जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।